ये जी गया हमारे पुलाव का सबसे बड़ा जाइगेंटिक पीस। बिस्मिल्लाह वला बरकतल्ला। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरत से होंगे। होप यू गाइस डूइंग वेल। सो जी आज हम लोग आए हुए हैं पेशावर और काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई है। भूख तो हमें रोज़ाना लगी रहती है बट आज यार काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई है। हमारे साथ मौजूद है हमारा अदनान उसामा, हमारा बिलाल। वो आप इसको देखकर ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो आज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आप पेशावर में मौजूद है, आपके जेब में सिर्फ 2000 रुपये है और आप 3 दोस्त या 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप लोग पेशावर में क्या खा सकते हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ शिनवारी रेस्टोरेंट। शिनवारी रेस्टोरेंट भकाल में ही है। आप लोग यहाँ पर आकर मज़ेदार किस्म का इनका पुलाव ट्राई कर सकते हैं। इनके पास और कुछ नहीं अवेलेबल, सिर्फ पुलाव है और पुलाव के ऊपर ज़बरदस्त बीफ होता है। सो चलो हम आपको लेकर चलते हैं शिनवारी रेस्टोरेंट के किचन और किचन के बाद फिर हम लोग आप लोग को रिव्यू देते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। सो भाई ये हमारा शिनवारी रेस्टोरेंट का किचन है जहाँ पर हाइजीन लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, बट यार यहाँ पर जो खाना बनता है वो तबाही की होती है। अंदर चलते हैं और आपको अंदर से इनका किचन दिखाते हैं। सो यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं शिनवारी रेस्टोरेंट के किचन। भाई जान ये पतीला ज़रा हमें कॉल कर दिखाइए किसके अंदर क्या पक रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये सारा गोश्त जो है ये आलमोस्ट कितने टाइम में बनता है? 4 घंटे। 4 घंटे में माशाल्लाह। और एक दिन में आप लोग कितने पतीले निकालते हो? 7-8 पतीले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप लोग देख सकते हो एक बिल्कुल जाइगेंटिक गोश्त का एक पहाड़ समझ लीजिए यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। और ये एक पतीला नहीं, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे पतीले हैं और इनका कहना है कि दिन में हम लोग 7-8 पतीले निकालते हैं। 5-6 किलो का गोश्त माशाल्लाह। साढ़े पाँच छः सौ किलो का गोश्त। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। और यहाँ का टेस्ट भी यार लाजवाब है। मैंने तकरीबन साल पहले मैंने ट्राई किया था और आज दोबारा मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो देखते हैं कि टेस्ट में कुछ चेंजेस आई हुई है या नहीं। देखो यार यहाँ पर हमारे जो पुलाव के ऊपर जाता है गाजर वो पक रहा है। ये भजन ज़रा हमें दिखाइए। चेक दिस आउट। इसके अंदर क्या क्या मिलाया हुआ होता है? चीनी, गाजर, चीनी और मेवा। ठीक 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 ठीक। ज़बरदस्त। और ये बिल्कुल लाल गोश्त है, रेड मीट जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर हमारा पुलाव है और यहाँ से हमारी प्लेटें बनकर हमारे पास आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह। चेक दिस आउट यार, इस इतने टेंडर बीफ को ज़रा देखिए, इतना टेंडर बीफ। ओके ये वाला बीफ जो है ये मेरा फेवरेट पीस है। इसके ऊपर चावल नहीं डालने, ठीक है, चावल साइड साइड पे डालने हैं। समा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल माशाल्लाह तबारकअल्लाह ये अल्लाह की राह पे चलने लगा है, तबलीग की राह पे चलने लगा है, तो इसकी बातें यार यहाँ से निकलती है। आजकल तजवीद में बातें कर रहे हैं। ये हमारे साथ हमारा क्लासमेट है, मतलब क्लास 8-9 से लेकर ये अब तक हमारे साथ है। काफ़ी अच्छा दोस्त है हमारा और काफ़ी टूर्स भी हमारी एक साथ लग चुकी है। अल्लाह तेम आलम के साथ आए हुए हैं बहुत दिनों बाद और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और जो तेम आलम के लिए अभी चीज़ लेके आ रहे हैं वो तो हम उधर देख चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, कोई अच्छा उन लोगों ने बनाया था और बहुत ही बेहतरीन और फुली जो है वो लोडेड है। आप अभी आगे जाके देखेंगे कि वो कैसा है। सो शुरू करें इंशाल्लाह। भाई जान हमारा खाना लेकर आइए। ये हमारा पुलाव बनकर आ गया है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। यार यहाँ रेस्टोरेंट में जो सबसे बेस्ट चंक था, जो सबसे बेस्ट पीस था वो निकाल कर हमारे लिए लेकर आए। यार मुझे नजर आ रहा है उसमें नली नजर आ रही है, दिखाओ। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा एक पूरा पुलाव प्लेट बरकर आ गया है। प्राइस मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, सो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बिलाल खान व्हाट अ जाइगेंटिक पीस। यार यार मैंने इसे एक बाइट लेनी है, मेरी वीडियो बनाओ मेरी जान, अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं। ये इसके सारे ब्लॉग में बस सोच भाई। शिनवारी रेस्टोरेंट में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ पुलाव मिलेगा, अवानी बीफ पुलाव, बट इनका बीफ यार तबाही है तबाही। ये देखिए इतना टेंडर, इतना जूसी। ये देखिए माशाल्लाह तबारकअल्लाह माशाल्लाह। ये जी गया हमारे पुलाव का सबसे बड़ा जाइगेंटिक पीस।
बिस्मिल्लाह व ला बरकत अल्लाह। हम और कुछ नहीं करेंगे, हम इससे नली निकालेंगे और इस नली को इस चावलों के साथ खाने में अपना ही मजा आता है। जब फुल फोकस कर दिया खतराशा। यार ये सब मुझे हंसी आ रही है, वल्लाह लजीम है, मेरा दिल दिल की गहराइयों से उतरी हुई है। मतलब इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ा आया, इट्स अमेजिंग। मुझे पता ये अनहेल्दी है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बट यार क्या करूँ, मजबूर हूँ यार, पेट से मजबूर हूँ। इंशाल्लाह वो अल्लाह ने कहा है ना, नहीं हम अमीर साहब से आपको बताते हैं, एक मिनट। ये हमारा अमीर साहब है अदनान उसामा। अदनान उसामा भाई क्या हाल है भाई? अच्छा ये आप हमें बताइए कि मतलब क़यामत के रोज़ क्या होगा, हमारे सारे औज़ा गवाहियाँ देंगे लेकिन खाना जो है भाई ये अल्लाह का हुक्म है, सही है? तो ये अल्लाह का हुक्म समझ के खाया करो कि हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से करेंगे। ज़बरदस्त। और मैं क़यामत के रोज़ जो मेरा पेट गवाही देगा कि या अल्लाह इसने मुझे खुश रखा है, इसको जन्नतुल फिरदौस लेकर जाओ। तो इंशाल्लाह यार मैं इसलिए खाता हूँ ताकि मुझे जन्नतुल फिरदौस मिले, क्योंकि क़यामत के रोज़ सारे अज़ा गवाहियाँ देंगे, मेरा पेट सब चीख चीख कर कहेगा या अल्लाह इसने मुझे सही खुश रखा हुआ है। हमारा खाना हो चुका है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, इट्स अमेजिंग, काफ़ी मज़ा आया। लाइक इनका जो बीफ है यार, तबाही है तबाही। जो चीज़ मुझे एक्सट्रीमली अच्छा लगता है तो वो मेरे लिए तबाही होता है। सो इनका बीफ जो है काफ़ी जूसी, एक्सट्रीमली टेंडर, और यार सीजनिंग वगैरह उन्होंने बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया होते हैं। मतलब सादा पुलाव होता है, सादा अफगानी पुलाव होता है, और उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का बीफ उसके ऊपर होता है। सो ये लोग हमारे लिए लेकर आए थे सबसे जाइगेंटिक हड्डी, जिसके अंदर बोन मैरो नली भी थी, एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। और टोटल बिल हमारा बना 2000 रुपये। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी अफोर्डेबल है। सो अगर आप पेशावर आए, आपके साथ 3 दोस्तों 4 दोस्तों और आप कम पैसों में अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा खाना और जल्दी खाना चाहते हो, सो शनवारी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप लोग यहाँ पर आकर अपना खाना इन्जॉय कर सकते हैं। आज की एंडिंग हम खुद नहीं करेंगे बल्कि हमारा अमीर साहब, हमारा मौलाना तो अभी नहीं है, हमारा अमीर साहब, हमारा अमीर अदनान उसामा करें। अदनान उसामा एंडिंग करिए। एंडिंग इसी बात पे करेंगे कि अल्लाह सारों को खुश रखे, हमें भी खुश रखे और तमाम मुसलमानों को खुश रखे भाई। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब।